हाय एवरीवन, इट्स कैम्ब्रिज प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 4 पेज नंबर 15। द क्वेश्चन नंबर 3 इज द टेबल शोज द नंबर्स नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ स्पोर्ट्स सेंटर ड्यूरिंग 4 मंथ्स। इट मींस दैट इन 4 मंथ्स देर आर द पीपल हु विजिटेड अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अ स्पोर्ट्स सेंटर इन द जनवरी। Number of visitors is 6,055, in February 6,505, in March 6,500 and April 6,550 people visited during these 4 months, okay? Which month had the most visitors? It's obvious that the April has the most visitors as its people is 6,550, okay? Completes this decomposition. Okay, it's a very easy. 305,469, okay? First unit, first number is 9, which is ones, you can say, and units, you can say 6 is the ones, 4 is 100, on the 100th place, 5 is on the 1000th place, and 0 is on the 10,000 place, and 100,000 place on 30 is on the 100,000 place. So 300,000, 5,000, 469, okay? इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया है, ठीक है? चलें नेक्स्ट पेज भी देख, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं कि Shaima's password is a 5-digit number. Is in the 10,000th place 1? Is in the 10,000th place 1? 2 is in the 1's place? 3 is in the 100th place? 4 is in the 1000th place? 5 is in the 10th place? Aap is place card mein in cheezon ko rakhein to humara kya hoga? 14,352. चलिए मूविंग टुवर्ड्स द पेज नंबर 16, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। 100 को जब मल्टीप्लाई किया है जी आपने, आप देखें ऊपर है 6, नीचे है जी 100, फिर नीचे 6, 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया, फिर मल्टीप्लाई उसे हमने जब किया 10 के साथ, 10 6 जो है आप देखें ऊपर वाला जो 6 है उसको 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 10 60, और फिर जब आपने दोबारा 6 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो क्या आ जाएगा, 600। अगला वाला देख लेते हैं कि अगर आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये डिवाइड का साइन है, तो आपका आ जाएगा 40, और जब फिर आप इसको ऊपर वाले 1400 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 140, और फिर इसी तरीके से 140 को आप अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। आप इसको खुद डिवाइड करके देखिए, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक आएगा। 320 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो 32,000 आंसर आ जाएगा। अगर हम 320 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसी तरह 32,000 आ जाएगा, और फिर 32,000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, अच्छा यहाँ देख मिस्टेक है, 320 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आएगा, एक ज़ीरो आपने यहाँ से लेस करना है, और फिर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 32,000 आ जाएगा, ठीक है? चले 80,000 को 10 से मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड है अब ये सारे डिवाइड करेंगे तो 80 इधर आ जाएगा, ऊपर से अगर आप अपने राइट साइड पे देखेंगे तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 800 आ जाएगा, और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। चलें जी, टिक द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग दिस 4-डिजिट कार्ड 3909 9903। आपका ये बनेगा 9,330। ये जो थर्ड में लिखा हुआ है ना 9,930, ये ठीक है आंसर। राइट इन द डिजिट्स द नंबर दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 130,000 प्लस 310, तो 130,000 एंड 310 है, तो 10 के प्लेस पे 3 है, तो आगे यूनिट के प्लेस पे तो कुछ लिखना है ना, तो वहाँ पे आपने 0 लिख देना, ऊपर आप लिखें पहले 1s, 10s, 100s, 10,000 एंड 100,000, तो 130,000 आगे आ जाएगा, और जहाँ जो खाली जगह होती है वहाँ आप 0 0 लिख दें, और फिर आगे
थ्री टेन है तो टेन की जगह पे थ्री लिखें और ज़ीरो, 130030 इसका आंसर आ गया। चलें जी पेज नंबर 15 और 16, आई होप यू लाइक, आई होप यू अंडरस्टैंड सम हाउ, आई होप आई एम नॉट ट्राइंग टू सॉल्व ऑन द अदर पेजेस और नॉट राइटिंग ऑल दीज नंबर्स बाय हैंड, बस आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।